गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है, 2018 के भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और पहला लग अटैम्प्ट मैकनील का, ये भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भारतीय उनको अपने ही दाव में उलझा लिया है बजरंग ने। गर्दन पकड़ में है, दोनों बाजुएं पकड़ में है, अब उठे दोबारा से न्यूट्रल पोजिशन, और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। खेमे टेक्निक लगाने का प्रयास कर था डेंजर में ले आने का, लेकिन बीच में इरादा बदल लिया। कई बार ऐसी टेक्निक लगाने में आप खुद डेंजर में फंस सकते हो, तो बजरंग ने एक झोंका दिया और वापस अपनी स्थिति में आ गए। बिल्कुल, पॉइंट लेने से बेहतर है पॉइंट ना देना, क्योंकि आप लीड में हैं। अटैक किया था मैकनील ने, लेकिन बजरंग ने उसको ध्वस्त किया है। क्या घूम के पीछे जा पाएंगे? ओ, मैकनील के पास मौका है। टेक डाउन किया, यहाँ दो पॉइंट मैकनील ने लिए, खाता खोला। अब ये मैच खुलेगा, अब ये बाउट खुला है। बहुत ही जबरदस्त अटैक था मैकलियन का। कैनेडियन रेसलर हार का अंतर थोड़ा कम किया है, बजरंग पुनिया को यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। और उसके बाद डिफेंस बजरंग का पूरी तरह से, जैसे एक लिजर्ड चिपकली चारों लिंब चिपका लेती है दीवार पे, रेस्टर भी दोनों हाथ पैर चिपका लेते हैं मैट पे ताकि ज्यादा पॉइंट ना दें, इसीलिए इसको लिजर्ड डिफेंस कहते हैं। यहाँ लग अटैक, सिंगल लग अटैक बजरंग का है। क्या गिरा के टेक डाउन बना पाएंगे? ये टंगड़ी लगाई, लेकिन पोजिशन क्या बाहर जाके एक पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल एक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दो की भी मांग रहेगी, क्योंकि टेक डाउन क्या दो अंक यहाँ पर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन, बजरंग पुनिया को संतुष्टि नहीं है अभी भी, वो और अंक लेना चाहते हैं। मिचलेन की तारीफ करनी होगी कि दो अंक से उन्होंने खाता खोला इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग के ऊपर। बिल्कुल, पहली बार बजरंग ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पॉइंट लूज किए हैं, अन्यथा पिछले तीनों मुकाबले उन्होंने बिना पॉइंट दिए जीते हैं। और संतुष्टि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैकनील कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोशिश करने के अलावा चारा भी नहीं है, और प्रतिभा दिखाई है मैकनील ने। फिर से लग अटैक, बजरंग पुनिया फिर से डोमिनेंट पोजीशन में, क्या आ पाएंगे? हाँ जी, एक पैर है और ये टंगड़ी अड़ाने वाले हैं, ये बाहर जा रहे हैं। मैकनील कह रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक ले लीजिए, ज्यादा मत दीजिए पॉइंट। और बजरंग ने भी ऐसा ही किया, उसकी बात का सम्मान रखा और सम्मान पूर्वक पवेलियन से बाहर यानी कि प्रोटेक्शन एरिया पर लाके खड़ा कर दिया। बोले ले भाई एक पॉइंट दे दे, क्योंकि 5 पॉइंट की लीड हो गई है, 1 मिनट का टाइम बाकी है। अगर आप अपने विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़े खड़े उस ऑरेंज पट्टी से बाहर ले जाए तो 1 अंक मिलता है। तो मैकनील ने वो 1 अंक दिया, ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए। और अगर उनको वापस आना है तो एक मजबूत ग्रिप बनानी पड़ेगी। क्या बजरंग यहाँ सिर्फ डिफेंस करके टाइम काटेंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं, मैकलिन जितना मचलाएंगे बजरंग पुनिया उतना ही प्रभाव दिखाएंगे और अंक अर्जित करेंगे। हालांकि अभी कुछ कह नहीं गया, जितना कैनेडियन रेसलर अटैक कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया काउंटर अटैक पर ध्यान देखिए, कुश्ती का नजारा ही कुछ और है। ये नजारा अब गोल्ड मेडल में परिवर्तित होने वाला है। प्रभु, छठा गोल्ड भारत की पहुंच में है और बजरंग अभी तक लेग अटैक नहीं करने दे रहे मैकनील को। उल्टी गिनती शुरू कीजिए, कितने सेकंड बाकी हैं? 1-2 पॉइंट और बजरंग पुनिया को उस टेक डाउन के, 7 पॉइंट की लीड, 2 सेकंड से कम का टाइम बाकी और छठा गोल्ड मेडल भारत का बजरंग पुनिया ने दिलवाया है, कुश्ती में दिलवाया है, रेसलिंग का पहला गोल्ड मेडल। मुबारक बजरंग।